सिलीगुड़ी में 8 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में अपार्टमेंट का सुरक्षा कर्मी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में 8 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राकेश राय है। वह प्रधाननगर थाना अंतर्गत इलाके के एक अपार्टमेंट में सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम करता था। वह मूल रूप से सिक्किम का निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार बीते कल उक्त बच्ची को कपड़ा देने के बहाने राकेश ने बच्ची का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। इधर परिवार वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रधाननगर थाना में मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बच्ची का मेडिकल जांच कराने के साथ ही आज पुलिस ने आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। एक गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यौन उत्पीड़न के आरोप में जिस अपार्टमेंट में ये बुजुर्ग व्यक्ति यौन उत्पीड़न करने की कोशिश हुई थी, आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने प्रधाननगर थाने की पुलिस के पास शिकायत होते ही पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैं एक बार फिर से आपको बता दें, यौन उत्पीड़न के आरोप में एक बार फिर से सिलीगुड़ी शहर से घटना सामने आ रही है, जहां पर एक नाबालिका को मौका पाकर एक 8 वर्ष जहां पर यौन उत्पीड़न के आरोप में एक बार फिर से प्रधाननगर थाना से यौन उत्पीड़न का आरोप सामने आया है। यौन उत्पीड़न का मामला यहां पर सामने आ रहा है। आरजी कर की घटना सिलीगुड़ी में पूरे देश में इस वक्त चर्चा का माहौल बना हुआ है। महिला डॉक्टर की मौत की घटना के बाद अब सिलीगुड़ी में एक बार फिर से बीते कल ही एक घटना सामने आई थी, जहां पर एक नाबालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना। उसके बाद आज प्रधाननगर थाना से मामला सामने आ रहा है कि एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है। एक गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यौन उत्पीड़न के आरोप में जिस अपार्टमेंट में ये बुजुर्ग व्यक्ति यौन उत्पीड़न करने की कोशिश हुई थी, आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने प्रधाननगर थाने की पुलिस के पास शिकायत होते ही पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैं एक बार फिर से आपको बता दें, यौन उत्पीड़न के आरोप में एक बार फिर से सिलीगुड़ी शहर से घटना सामने आ रही है, जहां पर एक नाबालिका को मौका पाकर एक 8 वर्ष जहां पर यौन उत्पीड़न के आरोप में एक बार फिर से प्रधाननगर थाना से यौन उत्पीड़न का आरोप सामने आया है। यौन उत्पीड़न का मामला यहां पर सामने आ रहा है। आरजी कर की घटना सिलीगुड़ी में पूरे देश में इस वक्त चर्चा का माहौल बना हुआ है। महिला डॉक्टर की मौत की घटना के बाद अब सिलीगुड़ी में एक बार फिर से बीते कल ही एक घटना सामने आई थी, जहां पर एक नाबालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना। उसके बाद आज प्रधाननगर थाना से मामला सामने आ रहा है कि एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है। यौन उत्पीड़न करने की कोशिश हुई थी, आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने प्रधाननगर थाने की पुलिस के पास शिकायत होते ही पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैं एक बार फिर से आपको बता दें, यौन उत्पीड़न के आरोप में एक बार फिर से सिलीगुड़ी शहर से घटना सामने आ रही है, जहां पर एक नाबालिका को मौका पाकर एक 8 वर्ष जहां पर यौन उत्पीड़न के आरोप में एक बार फिर से प्रधाननगर थाना से यौन उत्पीड़न का आरोप सामने आया है। यौन उत्पीड़न का मामला यहां पर सामने आ रहा है। आरजी कर की घटना सिलीगुड़ी में पूरे देश में इस वक्त चर्चा का माहौल बना हुआ है। महिला डॉक्टर की मौत की घटना के बाद अब सिलीगुड़ी में एक बार फिर से बीते कल ही एक घटना सामने आई थी, जहां पर एक नाबालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना। उसके बाद आज प्रधाननगर थाना से मामला सामने आ रहा है कि एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है।